हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट, हमारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम के लिए अब हमारे पास सिर्फ लास्ट के 21 डेज ही रह गए। लास्ट के 21 डेज में हम क्या ऐसा करें या कैसे प्रिपरेशन करें जिससे हमारे जो मार्क्स है बच्चों वो गेन हो या फिर हमारे मार्क्स हैं वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाए। सो बच्चों, यही स्ट्रेटेजी आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। अगर हम बात करें बच्चों किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए या फिर हमारे लास्ट 21 डेज की जो हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, सो बच्चों हमें तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहली है बच्चों प्लानिंग। हमें कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, किसी भी चीज की स्ट्रेटजी बनानी है, सो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लानिंग करनी है कि हम क्या कैसे कब पढ़ेंगे, यानी किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है, ये हमें प्लानिंग करनी है। देन हमें क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। हमने प्लानिंग बना दी, हमने सुबह सुबह उठ के पूरा टाइम टेबल बना दिया कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, फिर हमें 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 3 घंटे बायो पढ़ना है, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, हमने ये पूरा टाइम टेबल बना दिया। अब बच्चों वो टाइम टेबल आप कितने दिनों तक फॉलो करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। 5वें दिन से हम फिर कहां आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। यानी कि हमने जो प्लानिंग करी है वो कितने दिनों तक एग्जीक्यूट हुई है, हमारी सिर्फ 2 या 3 दिनों तक। पर हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को हम 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, वहीं कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हम आधा घंटा भी नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में हमने प्लानिंग कर दी, हमारा एग्जीक्यूशन भी सही चल रहा है। अब बच्चों हमने कैसे क्या पढ़ा है, कितना हमें याद है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम पेपर में जब हम लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग में जब लिखते हैं और लास्ट के जब हमारे पास 5 मिनट्स रहते हैं तब हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी हमारी क्या देखते हैं बच्चों, हमारा एग्जाम पेपर देखते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया या फिर हमने जो आंसर लिखा है कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। वैसे ही बच्चों जो हमने प्रिपरेशन करी है उसका हमें क्या देखना है बच्चों, रिव्यू देखना है। अब बच्चों इन तीनों ही स्टेप्स को हम 1 by 1 करके देखते हैं कि कैसे हमें प्लानिंग करनी। सबसे पहले अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी स्ट्रीम के, चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, सो आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। प्लानिंग मीन्स आपको बच्चों कैसे, किस सब्जेक्ट में कैसे आपको यहाँ पे टाइम देना। जैसे ये वाला जो टाइम टेबल है बच्चों, ये मैंने बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जिन बच्चों की प्रिपरेशन कम है वो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकता है, जिस बच्चे की प्रिपरेशन पूरी फुल हो रखी है वो इसमें थोड़ा सा टाइम कम दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें यहाँ पे, सो हमारा साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो बच्चों हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके अलावा बच्चों हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं। सो अगर हम बात करें मैथ्स की, सो बच्चों मैथ्स क्या है हमारा, मैथ्स में तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूले सॉल्व करने पड़ते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सो मैथ्स में हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। सो मैथ्स को आप डेली बच्चों 2-5 आवर्स आप डेली दो, जिससे आप अपनी मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद में फिजिक्स भी हमारा क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स या फिर थोड़ा सा बच्चों प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसको भी आप मैथ्स के जितना ही टाइम दो। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा केमिस्ट्री, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लस थोड़ा थियोरिटिकल है, सो आप इसको 2 आवर्स डेली दे सकते हो। इसके बाद में अगर हम बायो की बात करें बच्चों, बायोलॉजी जो है उसको आप, जो हमारा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा डेली दे सकते हो। और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है बच्चों, इनको आप 1 से 1.5 घंटा डेली दोगे, सो आपकी साइंस की पूरी जो तैयारी है वो हो पाएगी। अगर हम कॉमर्स की बात करें, सो कॉमर्स में भी हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया और हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें सॉल्व करना है, सो इसको हमें 2 से 2.5 घंटे देने। देन अगर हम अकाउंट्स की बात करें, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी हमें 2 से 2.5 घंटे देने। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, सो बच्चों इकोनॉमिक्स को हमें थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, तो हमें 2 आवर्स देने हैं। वहीं अगर बिजनेस स्टडीज, जो भी थियोरिटिकल है, तो इसको हमें 1.5 से 2 घंटे देने हैं। वहीं ऑप्शनल को आपको 1 से 1.5 घंटे रखना है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज के हमारे जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, वो थियरी सब्जेक्ट होते हैं, सो आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सारे ही सब्जेक्ट को
1 to 2 hours देना है, 1 to 2 hours to each subject daily देना है, जिससे आप क्या कर सकते हो बच्चों, आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी बच्चों प्लानिंग है, आप इसके अकॉर्डिंग या इस टाइम में थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़ा ऊपर नीचे करके भी इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। अब बच्चों बात आती है एग्जीक्यूशन की। प्लानिंग हमने कर ली, हमने अपना पूरा टाइम टेबल बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करें, कैसे एग्जीक्यूशन करें ये हमें देखना है। सो सबसे पहले, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है। सो बच्चों उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर वाइज जो आपके जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं या चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, वो अब बुक लेके बैठे हैं। सो बच्चों अब सिलेबस पूरा करने के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम गया जब आप पूरी बुक एक साथ पढ़ोगे। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा एडवांस बढ़ते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। जो भी अगर हम YouTube पे देखें बच्चों, बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। आप 1.5x या फिर 2x की स्पीड में जल्दी जल्दी देख के उनको, उनके सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं उनके वन शॉट देख सकते हो, यानी पूरा ही चैप्टर आप एक ही वीडियो में देख सकते हो, उसको भी बच्चों आप 1.5 या 2x की स्पीड में देख सकते हो। अगर हम बात करें लास्टली, तो बच्चों आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो एग्जाम्पलर कर सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा आप बच्चों क्या करो, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली कॉन्सेप्ट बनाओ, उसके अलावा नोट्स अपने तैयार करो, ताकि एग्जाम टाइम में आप क्या कर सको, उन शॉर्ट नोट को जल्दी से तैयार कर सको। ये हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चों, जैसे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस देखने, तो मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी दिए हुए हैं, सो उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वन शॉर्ट का भी लिंक दिया हुआ है, और वहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का, मैथ्स का यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ये हमने एग्जीक्यूशन कर लिया, हमने पढ़ाई कर ली, हमने सारे चैप्टर्स देख लिए, हमने वन शॉट देख ली, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कर ली। अब हमें बच्चों कितना याद है, हम प्रैक्टिस कैसे करें, अगर ये देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें कितना याद है, ठीक है, हमें कितना मेमोराइज है, हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब तो लिखने की हैबिट हमारी छूट गई है, ऑनलाइन एग्जाम देते देते हम लिखना ही भूल गए। तो अब बच्चों हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों उसके लिए आपने जो भी प्रिपरेशन करी है उसको कहाँ करना है, यहाँ पे हमें फॉलो अप करना है, यानी हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लास्टली जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है, और लिख लिख के सॉल्व करने हैं। इसके अलावा सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं और मॉक टेस्ट पेपर या मॉक पेपर देने हैं, जिससे हम एग्जाम में पूरी तरह से क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी, प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको दिया हुआ है बच्चों, वहीं सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी लिंक दिया हुआ है। सो बच्चों हम हमारे इस तरह से रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम बच्चों इन तीनों ही स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करें एवरी डे, तो हम यहाँ पे पूरे फुल मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं, 40 out of 40, और जिसके 35 मार्क्स का पेपर है वो भी 35 out of 35 यहाँ पे बच्चों गेन कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों कि जो हमने आज इस वीडियो में देखा है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप ये स्ट्रेटजीज फॉलो करोगे तो आपके बच्चों फुल मार्क्स जरूर आएंगे। थैंक यू।